संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम हमारा चैप्टर प्रत्यायहार इसी को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने पहले प्रत्यय के बारे में परिचय किया, अब हम प्रत्यय से संबंधित यहाँ एक कहानी दी गई है, तो वह कहानी हमारी अधूरी थी, आज हम उसी कहानी को आज पुनः स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाम है उसका घंटासुर है। पर्वतस्य समीपे ग्रामम आसीत। पर्वत के पास में गांव था। वारं वारं शिखर प्रदेशात घंटानादम आकर्ण्य ग्रामवासिनः अचिन्तयन्। वारं वारं बार बार शिखर प्रदेशात अर्थात पर्वत से घंटानादम घंटे की आवाज आकर्ण्य सुनकर ग्रामवासिनः अचिन्तयत्। ग्रामवासियों ने सोचा, बार बार पर्वत के उधर से घंटे की आवाज़ सुनकर ग्रामवासियों ने विचार किया या सोचा, पर्वत प्रदेश में घंटासुर नाम दानव अस्ति। पर्वत प्रदेश में घंटासुर नामक दानव रहता है। सह नरान भक्षयित्वा घंटां वादयति। वह मनुष्यों को खाकर घंटा बजाता है। अब यहाँ आया है आकर्ण्य, यहाँ भी प्रत्यय है और भक्षयित्वा यहाँ पर भी प्रत्यय है, तो आकर्ण्य में ल्यप प्रत्यय हुआ है क्योंकि यहाँ आउपसर्ग है और कर्ण धातु है और यह इसका शेष भाग बचा है, तो इसका अर्थ होता है सुनकर। और भक्षयित्वा भक्ष धातु और यहाँ पर त्वा शेष बचा है, यानी यहाँ पे कत्वा प्रत्यय है, तो भक्ष का अर्थ होता है खाना और जहाँ पर ल्यप और त्वा प्रत्यय होता है वहाँ पर अर्थ करके निकलता है, तो भक्ष का अर्थ होता है खाना, तो बन जाएगा यहाँ पर खाकर। हमने यहाँ पर कहानी पढ़ी थी कि नीलगिरी पर्वत के पास एक बड़ा मंदिर था। एक बार कोई चोर मंदिर से एक घंटा चुरा कर आया और जो रक्षा करने वाले हैं वह उनसे डर कर वह वन में चला गया और वहाँ सिंह के द्वारा मारा गया और वह घंटा वहाँ गिर गया। सुबह जब कुछ बंदर वहाँ आए तो उस घंटे को लेकर उन्होंने आवाज़ की और वह कुछ तो चकित हुए और प्रसन्न भी हुए, और इस प्रकार से चकित हुए उन बंदरों ने बार बार घंटे की आवाज़ की। और पर्वत के पास में ही एक गांव था। बार बार शिखर प्रदेश से घंटे की आवाज़ सुनकर ग्रामवासी ने विचार किया कि इस पर्वत प्रदेश में कोई घंटासुर नामक दानव रहता है, वह बंदरों को खाता है। चलिए अब हम आगे का पढ़ते हैं। तीन प्रवादेन भयभीता हा। एतेन इसके द्वारा या इससे, प्रवादेन अर्थात अफवाह से, भयभीता हा डरे हुए जनाहा लोग अन्य मार्गे दूसरे मार्ग पर गंतुम प्रारंभ जाना प्रारंभ कर दिया, और इस अफवाह से डरे हुए लोगों ने दूसरे मार्ग से जाना प्रारंभ कर दिया। अनेन चिंता कुलह राजा उद्घोषयत। इस चिंता से व्याकुल राजा ने घोषणा की, यह घंटासुरं मारयितुं समर्था भविष्यति तस्मै विपुलं धनं दास्यामि। कि जो मनुष्य या जो घंटासुर को मारने में समर्थ होगा तस्मै उसके लिए विपुलं धनं दास्यामि, बहुत अधिक धन दूंगा, तो उसको मैं क्या करूंगा, बहुत अधिक धन दूंगा। घोषणां श्रुत्वा एका वृद्धा चिन्तयत्। घोषणा को सुनकर एक वृद्धा ने सोचा, दानवाः राक्षसाः च न भवन्ति, दानव और राक्षस नहीं होते हैं। सावने गत्वा अपश्यत, उसने वन में जाकर देखा, यत कि वानराः घंटानादं कुर्वन्ति स्म, कि बंदर घंटे की आवाज कर रहे थे। अन्यस्मिन् दिने सा कदली गुच्छानि चणकान् चनित्वा अरण्ये आगच्छत्। अन्यस्मिन् दिने और दूसरे दिन सा वह कदली गुच्छानि केले के गुच्छे चणकान् च और चने नित्वा ले जाकर अरण्ये आगच्छत जंगल में गए, और दूसरे दिन उसने केले के गुच्छे और चने लेकर जंगल में गई। फलानि दृष्ट्वा फलों को देखकर कपयः घंटां त्यक्त्वा, बंदरों ने घंटे को छोड़कर फलानि ग्रहीतुं मग्नः अभवन्, फलों को खाने में वह लग गए। तो यहाँ पर भी आया है प्रत्यय वाला शब्द श्रुत्वा गत्वा नीत्वा दृष्ट्वा त्यक्त्वा और ग्रहीतुं। अब देखना सभी में ही त्वा शेष है, त्वा इधर भी त्वा और त्वा
और यहाँ पे त्वा मिनिका, जो यहाँ पे भी दृढ़ धातु आएगी उसमें त्वा रहेगा, कत्वा प्रत्यय शेष नहीं रहेगा उसमें, तो इसमें भी कत्वा प्रत्यय है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यहाँ तक सभी में कत्वा प्रत्यय है। धातु को अलग करेंगे तो श्रु प्लस कत्वा, गम प्लस त्वा, नी प्लस त्वा, दृश प्लस ता और त्यज प्लस त्वा। अब यहाँ पर अलग प्रत्यय है तुम शेष है, और जहाँ पर भी तुम शेष होता है उसमें तुमुन प्रत्यय होता है और उसका हिंदी अर्थ निकलता है के लिए। गृह धातु है और ग्रह का अर्थ होता है लेना या ग्रहण करना, तो यहाँ पर हो जाएगा गृह तुम का अर्थ ग्रहण करने के लिए। वो यहाँ पर दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है त्वा और तुमुन। या घंटे को छोड़कर वह फल खाने में लग गए। सावृद्धा शीघ्रतया घंटां गृहीत्वा राजसभां प्राप्य अवदत्। और वह वृद्धा शीघ्रतया शीघ्रता से घंटां गृहीत्वा घंटे को लेकर राजसभां प्राप्य राजसभा में पहुंचकर अवदत बोली राजन की हे राजा मया घंटासुर हतः कि मेरे द्वारा घंटासुर मारा गया। अत्रास्ति तस्य घंटः अत्र प्लस अस्ति यहाँ है तस्य घंटा उसका घंटा इति ऐसा कि हे राजा मैंने घंटासुर को मार दिया है यह है उसका घंटा यहाँ है इति ऐसा। तस्मिन्नेव दिने घंटानादं न श्रुतः उस दिन से ही घंटे की आवाज़ नहीं सुनी गई। सर्वे तुष्टाः प्रसन्ना च अभवन् सभी संतुष्ट और प्रसन्न हो गए। राजा वृद्धाय विपुलं धनम अयच्छत् राजा ने वृद्धा के लिए बहुत अधिक धन दिया। यहाँ आया है ग्रहित्वा और प्राप्य। यहाँ पर ग्रहित्वा त्वा शेष है, यहाँ पर त्वा प्रत्यय है और धातु रहेगी गृह प्लस त्वा, गृहित अर्थात ग्रहण करना, तो गृहित्वा ग्रहण करके। और प्राप्य यहाँ पर भी है प्र उपसर्ग प्लस आप धातु और यहाँ पे यह शेष बचा हुआ है जो यहाँ पर ल्यप प्रत्यय हुआ है तो पाकर, तो गृहित्वा और दोनों का अर्थ करके निकलता है। तो छात्रों आज हमने घंटासुर नामक कहानी को पढ़ा और इसी के माध्यम से हमने जो व्याकरणिक बिंदुओं को भी जाना कि इसमें कौन कौन से प्रत्यय हुए हैं और धातु कौन सी हुई है। तो छात्रों इस पाठ में आए हुए प्रत्ययों का अध्ययन अच्छी तरह से करें। हमने पढ़ा इसमें कत्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय, इस प्रकार से तीन प्रत्ययों का ज्ञान हमने इस पाठ में किया। आप भी अध्ययन करें और इसमें आए हुए कठिन शब्दार्थ को भी याद करें और लिखें। धन्यवाद।